है कि हाँ, तो एक ये वाला आपको रिवाइज्ड इंड्योरेंस लिमिट का जो है पहले आपको बताया था, तो जस्ट क्विकली मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, इंड्योरेंस लिमिट और इंड्योरेंस स्ट्रेंथ का फर्क ये है, इंड्योरेंस लिमिट में कंप्लीटली रिवर्स लोड होता है, ठीक है, और उसमें जो वर्ड यूज होता है सफिक्स में वो ई आता है। अब किताबों में और सब जगह अलग अलग है, तो कहीं पे सिग्मा ई है, कहीं पे एस ई है, कहीं पे एफ ई है, बट ई मीन्स इंड्योरेंस लिमिट। अच्छा, तो हम लोगों ने पिछले एक ये स्लाइड पिछले क्लासेस में देखा था कि रिवाइज इंड्योरेंस लिमिट था, कि ये जो इंड्योरेंस लिमिट है ये सिग्मा ई, ये हमारा केपी और केएफ की वजह से आता है ना, बट इनके अलावा भी कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इंड्योरेंस लिमिट जो आपका सैंपल है उसको चेंज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मान लो मटेरियल है आपका माइल्ड स्टील, और आपने भरतपुर की लैब में उसको एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद एक इंड्योरेंस लिमिट निकाल के बताई कि भाई साहब इसका 150 MPa इंड्योरेंस लिमिट है। अब क्या है कि जब एक्चुअली में वो यूज होता है शाफ्ट, जब एक्चुअली में यूज होगा तो ये मिलता है कि जो इंड्योरेंस लिमिट है उससे पहले ही फेल हो जा रहा है, यानी लैब से जो टेस्ट होके आया वहां पे तो मुझे मिल रहा है एक मान लो 150 MPa, क्या है कि एक्चुअल में जहाँ जब यूज हो रहा है मशीनों में या कार में, ट्रक में, बस में, तब वो देखा गया कि वो अपनी इंड्योरेंस लिमिट 150 से पहले ही फेल हो जा रहा है। तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, वो कारण ये हैं, साइज फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर, टेम्परेचर का मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर ज्यादा टेम्परेचर पे हम करेंगे तो वो पहले फेल हो जाएगा। जैसे आपने जब लैब में, भरतपुर की लैब में आपने जब टेस्ट किया तब टेम्परेचर था मान लीजिए 30, और जब कोई उसको यूज कर रहा है वो ले जाके वो बीकानेर के रेगिस्तान में उसको शाफ्ट को यूज कर रहा है, गाड़ी में लगा हुआ है, और टेम्परेचर है वहां 50, तो बिल्कुल संभावना है कि वो पहले ही फेल हो जाएगा, 150 की जगह वो 120 MPa पे ही फेल हो जाएगा। तो उसकी जो इंड्योरेंस लिमिट है वो रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इंड्योरेंस लिमिट को प्रभावित करते हैं, ये हमने लास्ट एक क्लास में ये एक स्लाइड ये देखी थी। अब इनमें से कुछ फैक्टर को आज हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो वहां पे सिग्मा था, यहाँ पे ध्यान देना वो वर्ड यूज कर लिया एस, क्योंकि ये किसी दूसरे सोर्स से है ये स्लाइड। तो इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने के, केबी, केसी, केडी दिया है, जिसमें से ए क्या है, सरफेस फिनिश फैक्टर। यहाँ पे के जो के एस एफ है वो यहाँ पे के ए है, बात एक ही है, नोटेशन अलग अलग, केवल इस स्लाइड में और इस स्लाइड में फर्क नोटेशन का है, बाकी चीजें वो है सेम है। तो उनमें से हमने ये वाले जो फैक्टर है जो हमारा इंड्योरेंस लिमिट को प्रभावित करते हैं लैब के बाहर, उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से है सरफेस फिनिश फैक्टर, साइज फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो मॉडिफाइंग फैक्टर है वो देखेंगे। तो इसमें से पहला है सरफेस फिनिश फैक्टर, ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप आज पढ़ रहे हैं ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो सरफेस फिनिश फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे आपको मैंने बताया भी था कि कुछ ऐसी जो मशीनिंग ऑपरेशन है जिनसे जो मटेरियल की या सैंपल की या मशीन पार्ट की जो सरफेस निकल के आ रही है वो स्मूथ नहीं आ रही है, तो वहां पे क्या है कि जो आपका जो इंड्योरेंस लिमिट है वो पाया गया कि उसकी वजह से कम हो जाती है। अगर बहुत स्मूथ सरफेस है तो इंड्योरेंस लिमिट अच्छी होगी, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो उसकी जो इंड्योरेंस लिमिट है वो घट जाएगी। उसमें से कुछ उदाहरण आपको, एक एक कोई ये फार्मूला पहले दिया हुआ है, नॉल एंड लिप्शन है किसी, कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने ये फार्मूला बनाया है। तो उसमें क्या है कि ये है आपका सरफेस फिनिश फैक्टर के ए, दिस इज इक्वल टू ए और बी कोई कोफिशियंट है और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, ठीक है। एस यू टी जो है ये अल्टीमेट आपका स्ट्रेंथ है, आपको ये पता है, एस वाई टी होता तो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, एस यू टी है तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो इस अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ये दो फैक्टर ए और बी के हिसाब से इस फार्मूले में रख के सरफेस फिनिश फैक्टर निकाला जा सकता है। अब अलग अलग मशीन, अलग अलग जो मशीनिंग प्रोसेस है, अलग अलग जो मशीनिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से ए और बी की वैल्यू अलग अलग आई है। जैसे ग्राउंड मशीन है कोई, तो उसमें ए की वैल्यू 1.58 और बी की वैल्यू -0.85,
ऐसे ही कोई फोर्ज्ड है तो उसका A की वैल्यू 272 है, और ये है।